हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एसएम इन्फोटेक। आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा क्रोम ब्राउजर में vidIQ ऐड करने के सबसे सिंपल मेथड, मोबाइल एंड डेस्कटॉप दोनों के लिए ही बताऊंगा। दोस्तों, वीडियो का मेन टॉपिक स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बताना चाहूंगा vidIQ को हम क्यों यूज करें। दोस्तों, स्टार्टिंग में हमारे पास ज़्यादा सब्सक्राइबर नहीं रहते तो वीडियोज को कौन देखेगा। तब वीडियोज में व्यूज लाने के लिए आपको SEO करना पड़ता है। अगर आपको आसान भाषा में बोलूं, SEO का मतलब वीडियोज में ऐसा टाइटल, ऐसा डिस्क्रिप्शन और ऐसा टैग लगाना है कि जब कोई उस टॉपिक में सर्च करे आपके वीडियो सबसे ऊपर आए और लोग आपका वीडियो को वॉच करे। अब दोस्तों, मैं आपको बताता हूँ कैसे vidIQ एक्सटेंशन को क्रोम ब्राउजर में ऐड करते हैं। तो वीडियो को एंड तक देखते रहना, पसंद आए तो लाइक कर देना और मेरे चैनल को अभी सब्सक्राइब कर दो इस टाइप के और भी वीडियोज को देखने के लिए। अगर आप लोग vidIQ को फोन में ऐड करना चाहते हो तो आप लोग आपका फोन में क्रोम ब्राउजर को ओपन कर लेना। क्रोम ब्राउजर को ओपन करने के बाद आपको राइट साइड जो थ्री डॉट्स है उसमें क्लिक करना है। देन डेस्कटॉप साइड में आपको चेक कर देना है, जैसे कि मैंने किया, आप लोग देख सकते हो। डेस्कटॉप साइड में आपको चेक करके रखना है। देन आपको ब्राउजर में सर्च करना है google.com। तो दोस्तों, आपको ये लिख के सर्च करना है, google.com लिख के सर्च करना है। देन जो प्रोसेस आपको करना है वो मैं मेरा PC में दिखा रहा हूँ। PC में एंड मोबाइल में सेम प्रोसेस रहेगा, इसलिए आप लोगों को दिखाने के सुविधा के लिए मैं PC में दिखा रहा हूँ। फोन में वो स्टेप करने के बाद आप लोग ये स्टेप करते रहिए और जो लोग PC में करेंगे वो लोग यहीं से स्टार्ट कर सकते हैं। PC में आने के बाद आपको इधर सर्च करना पड़ेगा क्रोम वेब स्टोर। आप लोग क्रोम वेब स्टोर लिख के सर्च कर देना। देन सबसे पहला वाला जो लिंक आएगा chrome.google.com, उसमें आप लोग क्लिक कर देना। उसमें क्लिक करने के बाद इधर लेफ्ट साइड सर्च का ऑप्शन दिखाएगा, इधर आपको vidIQ लिख के सर्च कर देना है। जैसे आप vidIQ लिख के सर्च करोगे आपके सामने कुछ इस टाइप का एक एक्सटेंशन आएगा, आपको इसमें क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद राइट साइड ऐड टू क्रोम जो लिखा है आपको इसमें क्लिक करना है। जैसे ही आप इसमें क्लिक करोगे तो आपके सामने एक पॉपअप शो होगा, आप लोग इधर से ऐड एक्सटेंशन कर देना। ऐड एक्सटेंशन करने के बाद आप इधर चेकिंग का ऑप्शन दिखाएगा, टाइम लगेगा, आपका एक्सटेंशन ऐड हो जाएगा। ऐड होने के बाद आपको इधर ट्यूटोरियल वीडियो शो करेगा, आप लोग वीडियो को देख सकते हो, नहीं भी देख सकते हो। अगर आपके PC में या फ़ोन में ज़्यादा एक्सटेंशन पहले से ही था तो आपको इधर जो ब्लॉक आइकॉन है ना, इसमें क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद vidIQ वर्सन फॉर यूट्यूब इसमें पिन कर देना है, ठीक है ना। पिन कर दोगे तो आपका ये ऊपर आ जाएगा। तो मैं अभी IQ में क्लिक कर देता हूँ। क्लिक करने के बाद सबसे पहले दोस्तों आपके सामने कुछ इस टाइप का ऑप्शन शो करेगा। जब आप पहली बार vidIQ को ओपन करोगे आपको इधर से आपका email ID और पासवर्ड देके लॉगिन कर लेना पड़ेगा, जो कि बहुत ही सिंपल मेथड है। तो आप लोग इधर से आपका email ID और पासवर्ड देके साइन इन कर देना। देन आपका vidIQ एक्सटेंशन को एक्सेस कर पाओगे यहाँ से। दोस्तों, अगर आप लोग फोन में vidIQ का एप्स डाउनलोड करना चाहते हो, vidIQ ऐप का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप लोग प्ले स्टोर से डाउनलोड कर लेना। और दोस्तों, अगर आपको जानना है vidIQ एक्सटेंशन को कैसे यूज करते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को एक लाइक कर दीजिए। मैं आपको बता दूंगा चैनल में आने वाले अगला वीडियो में आपको बता दूंगा कैसे इसको यूज करते हैं। तो मैं आपको बता दिया इस वीडियो में SEO क्या होता है और आपको बता दिया कैसे vidIQ एक्सटेंशन को क्रोम ब्राउजर में ऐड करते हैं बोथ फोन एंड डेस्कटॉप में। अभी तक देखने के लिए थैंक्स और चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कर देना।